अभिनेता साहिल खान को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एसआईटी ने हिरासत में लिया है, छत्तीसगढ़ से हिरासत में लिया है। तो बता दें, छत्तीसगढ़ के बस्तर से मुंबई क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और अभिनेता साहिल खान को हिरासत में लेकर साहिल खान को मुंबई लाया गया है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल खान पर ये कार्रवाई की गई है। और आपको बता दें, मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने छत्तीसगढ़ के बस्तर से अभिनेता साहिल खान को हिरासत में लिया। मामला महादेव सट्टाबाजी ऐप से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जिससे लेकर अभिनेता साहिल खान पर ये कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महादेव सट्टाबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल खान एसआईटी की गिरफ्त में है, हिरासत में लिया है, माफ कीजिएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें, बड़ा एक्शन मुंबई पुलिस ने, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साहिल खान को मुंबई लाया गया है। महादेव सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा हुआ ये मामला है, जिस पर शिकंजा कसते हुए अब ये कार्रवाई हुई है और छत्तीसगढ़ के बस्तर से अभिनेता साहिल खान को मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने हिरासत में लेकर मुंबई पहुंची है टीम, और अब कार्रवाई की जाएगी। बता दें, आगे पूछताछ होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महादेव सट्टा ऐप जिससे लेकर लगातार कार्रवाई जारी और जांच में अब साहिल खान, अभिनेता साहिल खान का नाम सामने आया और हिरासत में है अब एक्टर साहिल खान, जिसे एसआईटी ने हिरासत में लेकर मुंबई पहुंची है। छत्तीसगढ़ के बस्तर से अभिनेता साहिल खान को हिरासत में लिया गया है। संजय ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, हिरासत में है फिल्म अभिनेता साहिल खान, क्या जानकारी है, क्या कुछ कार्रवाई अब तक? जी, तो मुंबई पुलिस की एसआईटी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। हालांकि ये पूरी कार्रवाई जो इसे काफी गुप्त रखा गया था, पुलिस बस्तर पुलिस के आला अधिकारियों के पास भी फिलहाल इस गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी नहीं है। ये जानकारी मुंबई पुलिस के एसआईटी को मिली थी कि साहिल खान लगातार छत्तीसगढ़ में है और अपनी लोकेशन बदल रहे हैं, जिसके बाद एक टीम जो है वो पिछले कई दिनों से बस्तर में थी और आसपास के इलाकों में खाक छान रही थी, और कल रात जो है साहिल खान की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि जो है ना वो मुंबई पुलिस द्वारा की गई है और ना ही बस्तर पुलिस द्वारा की गई है। खैर, बस्तर पुलिस के पास तो इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, लेकिन जो जानकारी अभी तक सामने आई है सूत्रों के माध्यम से कि बस्तर से साहिल खान की गिरफ्तारी हुई है, मुंबई के माटुंगा थाने में उनके खिलाफ मामला दायर हुआ था, क्योंकि महादेव ऐप के प्रमोटर के तौर पर साहिल खान काम कर रहे थे। इसके अलावा एक लोटस ऐप उनके द्वारा खुद चलाया जा रहा था, जो महादेव ऐप के साथ ही चल रहा था, तो वो खुद भी बैटिंग के जो पूरे कारोबार में, ग्रग धंधे में शामिल थे, जिसके बाद मुंबई पुलिस काफी दिनों से साहिल खान की तलाशी कर रही थी और उनकी अब गिरफ्तारी हुई है। तो ये अभी तक की कार्रवाई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पे ना मुंबई पुलिस और ना ही बस्तर पुलिस द्वारा कोई इस पर बयान नहीं आया है। जी बिल्कुल। संजय, ये भी बताइएगा, क्योंकि अभी तक जिस तरह से हम देख रहे हैं, जांच लगातार चल रही है, कई अभिनेताओं पर, कई ऐसी हस्तियां हैं जिन पर गाज गिर चुके हैं और अब साहिल खान को गिरफ्तार किया गया है, अब तक की कार्रवाई पर अगर नजर डाले, कौन कौन से वो बड़े चेहरे जिन्हें अब तक हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की गई है? संजय, बिल्कुल, ये महादेव ऐप खुलने के बाद से आपने देखा होगा कि इस पे कई राजनीतिक लोगों के नाम आए, खुद भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके नाम आए, इसके अलावा कई एक्ट्रेस के नाम इसमें शामिल हुए जो इस ऐप में प्रमोटर के तौर पे काम कर रहे थे, जो वित्तीय लाभ ले रहे थे। कुल 31 लोगों के खिलाफ साहिल खान सहित जो है इस मामले में जांच चल रही थी, जिसमें लगातार पुलिस गिरफ्तारी करके पूछताछ कर रही है। और इसमें जो मुख्य बात ये है कि यहाँ सिर्फ महादेव ऐप नहीं, इसके अलावा ये इसके साथ सह ऐप के तौर पे लॉयन ऐप, लोटस ऐप, इस तरह के ऐप चला रहे थे। तो इन सभी पे जो है पुलिस इस बार जांच कर रही है कि ये सारे ऐप जो इस दौरान चल रहे थे, जो बैटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहे थे, ये किसके द्वारा संचालित किए जा रहे थे। और साहिल खान पे आरोप है कि वह खुद भी एक लॉयन ऐप के नाम से एक बैटिंग ऐप चला रहे थे, और यही कारण है कि पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। और साथ ही इनके मोबाइल फोन, लैपटॉप और जितने भी तकनीकी उपकरण हैं, इसकी जांच की जा रही है कि उनके तार किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क है यहाँ पर, जिसकी अब पुलिस जो है जांच कर रही है। बिल्कुल संजय, कई और खुलासे हो सकते हैं, बने रहिएगा, लौटूंगी मैं आपके पास रायपुर का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी खुमन जुड़ रहे सीधे लाइव। खुमन, इतनी बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ के बस्तर से अभिनेता को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस को खबर तक नहीं है। खुमन, सवाल दोहराएंगे ऋतु एक बार। जी जी खुमन, सुन पा रहे हैं आप मुझे?
कुमन, इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है सट्टेबाजी ऐप को लेकर। अभिनेता को छत्तीसगढ़ के बस्तर से मुंबई पुलिस आती है, एसआईटी की टीम आती है, गिरफ्तार कर मुंबई ले जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस जैसे इसकी जानकारी ही नहीं है। चलिए हम फिर से जुड़ेंगे कुमन से और भी ज्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो देखिए संजय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजय, सवाल यही उठता है कि जब बस्तर से अभिनेता साहिल खान को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से अभी किसी तरह का बयान भी सामने नहीं आया, छत्तीसगढ़ पुलिस ने अभी भी इस पर कुछ नहीं कहा है। संजय, बिल्कुल, जो कुछ अभी जानकारी आ रही है सारी सूत्रों के आधार पर है। अभी जो जानकारी मुझे मिली है कि लगभग 40 घंटे से मुंबई पुलिस जो है वो छत्तीसगढ़ में थी और साहिल खान का पीछा कर रही थी। साहिल खान लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे, लेकिन बस्तर में जगदलपुर में साहिल खान को पुलिस ने धर दबोचा और साहिल खान को गिरफ्तार करने के बाद मुंबई पुलिस चुपचाप वापिस निकल गई है। और अभी जानकारी मिली है कि 10 बजे की फ्लाइट से उन्हें मुंबई ले जाया जा रहा है। T2 जो एयरपोर्ट है वहां का, वहां टर्मिनल 2 में उन्हें गिरफ्तार करके लाया जा रहा है। तो ये फिलहाल की जानकारी है कि साहिल खान को लगभग 40 घंटे तक पुलिस ने पीछा किया और इसके बाद अब जगदलपुर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, लौटूंगी मैं आपके पास और लौटूंगी मैं और भी जानकारी लूंगी। खुमन हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। खुमन, आपसे भी मेरा सवाल यही रहेगा कि मुंबई से क्राइम ब्रांच की एसआईटी पहुंचती है और अभिनेता साहिल खान को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस जिसे शायद इसकी जानकारी भी नहीं, अभी किसी तरह का आधिकारिक बयान भी छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से सामने नहीं आया है। खुमन, रितु सवाल दोहराएंगे, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। जी बिल्कुल खुमन, जुड़ूंगी मैं आपसे फिर से और भी जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए ये बड़ी खबर है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ा एक्शन लिया है मुंबई पुलिस ने और एक्टर साहिल खान को छत्तीसगढ़ के बस्तर से गिरफ्तार किया। अभी तक कई बड़े चेहरों को हिरासत में लेकर, कई बड़े नामों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो चुकी है, लगातार जांच जारी है क्राइम ब्रांच की और एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है अभिनेता साहिल खान पर आरोप है। तो बता दें कि एक्टर पर आरोप लगे हैं इसी मामले को लेकर और इसी की जांच करने के लिए एसआईटी पहुंचती है छत्तीसगढ़ के बस्तर और बस्तर से एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार कर मुंबई पहुंच रही है। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से किसी भी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जिसमें इसकी पुष्टि छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से की गई हो, लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं और इसके साथ ही नजरें इस पर भी देखना यह भी बेहद दिलचस्प है कि अभिनेता साहिल खान से जब पूछताछ करेगी एसआईटी की टीम तो क्या कुछ बड़ा खुलासा साहिल खान करेंगे, क्या कुछ साहिल खान की ओर से निकलकर सामने आएगा। बता दें ऐप को प्रमोट करने के मामले में कई फिल्मी हस्तियों के नाम सामने आ चुके हैं जिसे लेकर पूछताछ भी बीते दिनों लगातार जारी थी। लगातार एक्शन जारी है, जांच जारी है और अब ये जांच छत्तीसगढ़ के बस्तर आ पहुंची है। मुंबई क्राइम ब्रांच की एसआईटी जो कि बस्तर पहुंची और एक्टर साहिल खान को गिरफ्तार कर मुंबई ले जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब एक्टर साहिल खान से इस मामले में पूछताछ होगी जिसमें और कई बड़े खुलासे हो सकते हैं।